بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. हम अपने चैनल आल इज वन में आपको खुश आमदीद कहते हैं. कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन. आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं शाही चिकन कोरमा. ये बहुत ही मज़े का बनता है. तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को कर दें क्लिक, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. शाही चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले चिकन चाहिए हमें 1 kg, प्याज 2 बड़े साइज़ की प्याज लेकर हमने उसे इस तरह बारीक काट लिया है, ऑयल चाहिए 1 कप, दही चाहिए 1 कप, गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, काजू 15 अदद जिन्हें हमने पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था, बादाम 15-20 अदद इसे भी हमने पानी में भिगो दिया था 2-3 घंटे के लिए. इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आधा गिलास पानी लेकर हमने इसका पेस्ट बना लेना है. जायफल जवत्री पाउडर 1/2 टीस्पून, सब्ज इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, केवड़ा एसेंस चंद कतरे. इसके अलावा साबुत गरम मसाले में हमें चाहिए सब्ज इलायची 8 अदद, काली मिर्चें 10 अदद, लौंगे 5 अदद, दालचीनी 2-3 टुकड़े, तेज़पात 2 पत्ते. सबसे पहले बर्तन में ऑयल डालेंगे. अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे. प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है. हाई फ्लेम पे मुसलसल चमचा चलाते हुए हमें ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लेनी है. अभी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे प्याज को. ऑयल में साबुत गरम मसाला डाल देना है और साथ ही लहसुन डाल देंगे. थोड़ी देर पकाएंगे, 5 से 10 आएगी. अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे. हमने इसे इसमें चिकन को इस वक्त तक भूनना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता. चेंज हो चुका है. अब हम इसमें 2-3 चम्मच दही डालेंगे. दही डाल के भून लेना है. इसे दही डाल के भून लिया इसी तरह तकरीबन 3 से 4 मिनट भुनाने से. अब इसमें मसाले शामिल करेंगे. धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर. अब मसाले डाल के भून लेंगे. 2-3 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें बाकी बचा हुआ दही शामिल कर देंगे. दही को अच्छी तरह फेंट लेना है. दही डाल के अब इसे ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त गल जाए इसी तरह. इसे पकते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं. अब हम इसमें
अदरक शामिल करेंगे। साथ ही इसे बादाम और काजू शामिल करेंगे। पकाएंगे भूनने के बाद अब हम इसमें तली हुई प्याज शामिल कर देंगे, जिसे हमने आपकी मदद से हल्का हल्का क्रश कर लिया है। पेस्ट नहीं बनाना है इसका, हाथों से इसे पीस लेना है। और साथ ही जायका का जलती पाउडर और सब की इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। इसे 2 मिनट भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें केवड़े एसेंस के चंद कतरे शामिल करेंगे, 1 से 2। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हो। और साथ ही ग्रेवी के लिए पानी शामिल कर देंगे, जितनी आपको पसंद हो आप उतना डालें। 1.5 गिलास शामिल करूंगी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। अब इसे लो फ्लेम पर दम के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। ये तैयार है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। शाही चिकन कौरमा तैयार है, बहुत ही मज़े का बनाएं, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।